नमस्कार, मैं हूं परिष्कृत सक्सेना। मैं हूं आर्या देव। और स्वागत है आप सभी का इंडिया हब के एक और कार्यक्रम में, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारत सरकार की जारी की गई विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी। और आज जिस योजना के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, उसका नाम है गणित छात्रवृत्ति योजना। उच्चतर गणित का नेशनल बोर्ड गणित के क्षेत्र में जो विद्वान पहले से ही गणित के क्षेत्र में अनुसंधान की पढ़ाई कर रहे हैं या जो इस क्षेत्र में पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। छात्रवृत्ति प्रदान करने के इस पहल का आयोजन भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी के आयोग के अंतर्गत किया गया है, जिससे गणित और उच्चतर विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान को सहारा मिलेगा। इस योजना का मकसद छात्रों को गणित और विज्ञान के क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट विद्वानों को गणित के क्षेत्र में अध्ययन और शिक्षण के नए अवधारणाओं में शोध करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। विद्वान जो कि किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से गणित की पढ़ाई करते हैं जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए योग्य हैं। इसके साथ साथ वे छात्र भी इस योजना के अंतर्गत योग्य हैं जिन्होंने विज्ञान स्नातक में सेकंड डिवीजन में डिग्री प्राप्त की है। पर यह जरूरी है कि इन छात्रों ने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि को प्राप्त किया हो या कोई समकक्ष कोर्स भी किया हो। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को पहले दो सेमेस्टर्स में 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी और उनके कोर्स के आखिरी साल में 28,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। विद्वानों को 32,000 रुपए की आकस्मिकता निधि और घर का किराया भी दिया जाएगा। और हाँ, विद्वानों को 4 साल के समय तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो कि महीने के आधार पर दी जाएगी और हर साल इसका नवीकरण भी होगा। इस योजना पर और जानकारी के लिए इस वेबसाइट से संपर्क करें, जो कि है www.scholarshippositions.com। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इंडिया हब के एक और कार्यक्रम में भारत सरकार की और सेवाओं और योजनाओं के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारी वेबसाइट www.indiahub.com के साथ। जय हिंद।